नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। दादी नादे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया अजय महाजन के संग। आज मैं आपको लेकर आई हूँ गुरदासपुर मंडी में, जहाँ पे आज आपकी बात करवाते हैं सर से कि दिवाली जो है कैसे मनानी चाहिए, क्यों मनानी चाहिए, इसके विषय में बताइएगा। नमस्ते सर जी। मैं यही कहना चाहना दिवाली के मौके पे कि ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए थी, कि वी शुड अवॉइड द करैक्टर एंड सेव अवर नेचर। कि असी अपनी जी नेचर आ, सब तो पहले सूद ख्याल रखना चाहिए, ना कि असी पोल्यूशन ज़्यादा फैलाइए। अभी अजकल देख रहे हैं कि मौसम की कितनी तब्दीली हो रही है, ये सारा कुछ ड्यू टू पोल्यूशन है। सो मैं गवर्नमेंट को भी यही अपील कराँगा कि जिन्ना भी हो सके कुछ इदा पॉलिसीज बनाओ कि जेदे कारण साडा कि पोल्यूशन घट होए। और असी मैं यही कहूँगा कि लोगों को कि घट तो घट पटाके चला, अपने घरद्या सेफ रखो, चलाने या तो थोड़े चलाओ बट अपने फैमिली और अपनी सिटी को सेफ रखो तो क्लीन रखो। सारे दिवाली तो विश्वकर्मा डे दियाँ बहुत बहुत बधाई दिना। तो विश्वकर्मा डे वाले दिन मैं दुकानदार बधाई दिना जिन्होंने अपने टूल्स जिन्हों काम करते हैं तो साफ करने होंगे ने, तो मैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दिना कि इस बार की दिवाली थोड़े वास्ते खुशियां भरी रहे जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, प्रभु जी, दिवाली की आपको शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो आप ना पटाखों से थोड़ा दूर रहें, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, कपड़े मिल जाते हैं हाथ में, कम से कम पटाखे कम चलाएं और दिवाली का एंजॉय करें। और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जैसे कि सर जी ने बताया कि दिवाली जो है छोटे बच्चे जो पटाखे चलाते हैं उनके साथ खड़े होते चलाने चाहिए ताकि उनका हाथ वगैरह ना सड़ जाए, सूती कपड़े पहन के चलाने चाहिए। ये भी बताया जो सियाने घर में बीमार रहते हैं उनसे पटाखों को दूर रखना चाहिए, मिठाई खाएं, दिए जलाएं और मोमबत्तियों से और घर में लाइटों से रोशनी करें। जैसे इन्होंने कहा विश्वकर्मा भाई कि जो दुकानदार होते हैं जिन्होंने बर्तन वगैरह रखे होते हैं उनको साफ सफाई करके अच्छी तरह जल से गंगा जल से धो के भगवान की पूजा करें। फास्ट न्यूज़ इंडिया अजय महाजन।